हमने एक बॉट बनाया था जो कि हमने वहाँ पर उसके ट्रेनिंग पार्ट उसका कंप्लीट कर लिया था। अब हम उस बॉट को अपने एक्सटर्नल कमांड से की हेल्प से रन करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले इस बॉट को हमें पब्लिश करना पड़ेगा। ये पब्लिश होने में थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पर ये पब्लिश हो चुका है। उसके बाद हम फिर जो भी हमने कमांड की हेल्प से हम इसे रन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी फ्रॉम बॉट स्टूडियो, मतलब पैकेज इंपोर्ट ऑल। उसके बाद हमको ऑटोमेटेड ब्राउज़र खोलने के लिए बॉट स्टूडियो डॉट न्यू, और फिर इससे क्या होगा, हमारा ऑटोमेटेड ब्राउज़र खुल जाएगा और हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, जो ऑब्जेक्ट हम डी के नेम के वेरिएबल में सेव कराएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बॉट भी एक फंक्शन की तरह है, जो एक फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है। और जैसे कि हम फंक्शंस में क्या होता है कि पैरामीटर बने रहते हैं, और उस पैरामीटर में हम मतलब आर्गुमेंट के तौर पे हम उसमें वैल्यू पास करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक यूआरएल मैंने कॉपी किया है, उसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो अब हम इसे सेव कर लेते हैं। हम इसे अपने एक्सटर्नल कमांड की हेल्प से मतलब इसे सीएमडी में रन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पाइथन और फिर हम सॉरी पाइथन और फिर हम इस फाइल का नेम है, तो इस फाइल का नेम है यूट्यूब सेव डिटेल्स, मतलब इस फाइल का हम पाथ पास करेंगे। तो ये मतलब ये दोनों सेम डायरेक्टरी में है, सेम मतलब सीएमडी भी सेम डायरेक्टरी में है और ये फाइल भी सेम डायरेक्टरी में है। तो हमें सिर्फ यहाँ पर इस फाइल का नेम ही पास करने से काम चल जाएगा, यूट्यूब सेव डिटेल्स डॉट पी। ये देखिए ऑटोमेटेड ब्राउज़र खुल गया। लगता है कि यहाँ पर ठीक से पब्लिश नहीं हुआ। अब हम इसे रन कर रहे हैं। ये देखिए इसने एक ऑटोमेटेड ब्राउजर खोल दिया। अब इसने यूआरएल खोल दिया Hi, इस my यूट्यूब name is का। Mosh, and I'm going to be your instructor in this Python. देखिए इसने जो भी प्रिंट वगैरह करा था वो प्रिंट कर दिया। मैं आपको प्रिंट का मतलब समझा देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि ये प्रिंट ये क्या ये एक फंक्शन है, जैसा कि तो ये एक जो भी हमने वैल्यू सेव कराई थी वो डिटेल्स वो रिटर्न करेगा, और फिर वो डिटेल्स में उसको प्रिंट करा दिया। प्रिंट ए ना प्रिंट ए से हमने डिटेल्स प्रिंट करा दिया। बट क्या होता है कि उसमें ये एक डिक्शनरी रिटर्न करता है, और डिक्शनरी में काफ़ी सारे कीज होते हैं उनके। तो एक एक ऐसा भी की होता है जिसका नेम होता है बॉडी। वो बॉडी की वैल्यू एक मतलब जो भी वैल्यूज रिटर्न करता है उसकी वो वैल्यूज होती हैं बॉडी में, बॉडी की इसमें। तो हमने प्रिंट ए बॉडी मतलब जो भी डिटेल्स उसने सेव वगैरह की थी उसमें बॉडी फंक्शन में मतलब बॉडी की इसमें वो सारी वैल्यूज कंटेन होती हैं। तो प्रिंट ए बॉडी से हम वो प्रिंट कराएंगे जो कि जो 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 कि एक डिक्शनरी प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ पर चैनल लिंक वगैरह ये देखो, प्रिंट ए बॉडी और चैनल नेम और डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद फिर उसके बाद अपलोड डेट, ये देखो यहाँ अपलोड डेट व्यूज
और लाइक्स और ये टाइटल और डिसलाइक्स वगैरह इसने सब वो करा दिया। और ये देखिए यहाँ पर इसकी बॉडी की भी जो वैल्यू है, ये डिक्शनरी है जो कि हमने प्रिंट कराई है।